सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सराय डिजिटल नेटवर्क एंड आई होप कि कैमरा एंगल सही है। अभी जो है ईटानगर नाहरलगन में इतना गर्मी है ना, मतलब गर्मी मतलब शुरू हो गया, इसलिए देखो हम बाइक चला रहे हैं बाद हम शर्ट पहन के चला रहे हैं। सो एनी वेज आई होप कि आप सभी को मेरा जो दापोरिजो का छोटा सा वीडियो था वो पसंद लगा होगा एंड इन फ्यूचर हम कोशिश करेगा कि वापस दापोरिजो जाके वीडियो बनाने का। फिलहाल अभी हमें जी एक्सटेंशन में जो कि नाहरलगन में पड़ते हैं एंड यहाँ से थोड़े ही दूरी में ट्रिम्स हॉस्पिटल है और जी एक्सटेंशन का अंदर इतना जाम है, देन यू कैन इमेजिन कि बाहर कितना जाम हो सकता है। और एक तरफ से गर्मी प्लस हेलमेट, सो ये बहुत तकलीफ हो जाता है। नाउ कनेक्टिंग टू द मेन रोड, अरे बाप रे गर्मी तो क्या बोलेगा। और ये बाइक भी अभी थोड़ी देर में हीटअप होने शुरू हो जाएगा। ट्रैफिक को भी हम बाईपास नहीं कर पाएगा बिकॉज बहुत ही पतला वाला लेन है तो, और सबको जल्दी है यहाँ में। सो सबसे पहले हम अभी जाएगा टूवर्ड्स ई सेक्टर जहाँ पे आपका यह इग्नो का ऑफिस है, बिकॉज वहाँ में कुछ काम है हमको इग्नो का रिलेटेड। आज तो गर्म से हालत ख़राब होगा, जब तक हम हाईवे नहीं पहुँचेगा तब तक तो हम यही गर्म खा के बैठेगा। और पूरा फुल शर्ट में फिर भी चला रहा है बिकॉज वरना हाथ बहुत टेन हो जाता है। हम लोग का यहाँ का जो धूप है ना बहुत ज़्यादा ही काढ़ा है, तो डायरेक्टली हाथ को पूरा जला देते, थोड़ा देर के लिए एक्सपोज होने से भी डायरेक्ट पूरा ब्लैक लिस्ट कर देते हाथ को। हाँ हाँ वर्ड गलत है, चलो थोड़ा सा गैप मिल गया। तो यहाँ से इग्नो ऑफिस कौन सा है ना, अरे शिप, ओ शिप, ओहो। सो क्विक अपडेट, जो इग्नो ऑफिस जो नाहरलगन में था वो अभी यहाँ से शिफ्ट होके आपका डीएन कॉलेज के सामने में पहुँच गया, देरनाटून कॉलेज जो ईटानगर में है। तो ठीक ही है, हमको भी ईटानगर में ही ज़्यादा काम था। जो फर्स्ट टाइम हम ये बाइक चला रहा था मोटर ब्लॉक के ड्यूरिंग में, जैसे आपने देखा था इस पर ये साइड वाला दोनों मिरर्स नहीं था, तो उसका वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रहा था लेफ्ट राइट जाने, बिकॉज पीछे देखना पड़ रहा था बार बार। तो अभी इसमें मिरर्स लग के बहुत अच्छा हो गया, मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। ये नहीं होने से मतलब बहुत तकलीफ होता है। सो ठीक ये वाला जो बोर्ड दिखाई देने से ना हमको बहुत खुशी लगती है, बिकॉज हम लोग इसके बाद यहाँ से पपूनाला पहुँच गए ना, तो हम लोग अभी डायरेक्ट फोर लेन चढ़ते हैं अवे फ्रॉम दिस ट्रैफिक। अब यहाँ से सीधा हाईवे शुरू होगा। और ये गाड़ी ब्लॉक क्यों कर रहा है, अभी फिलहाल ये डोमिनोर चला के ना हमको मतलब मेरा पाँव में पूरा हीट महसूस हो रहा है, बिकॉज ये डोमिनोर लोग जो बाइक है ना, ये लोग सिटी में क्रूज करने वाला बाइक नहीं है, ये लोग हाईवे में चेज करने वाला बाइक है, मतलब हाईवे को पूरा चीरने वाला। अभी हाईवे में शायद ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा होगा। फिलहाल अभी ये वाला जो है हाईवे को बंद करके रखा है एंड हम लोग अभी यहाँ से चल रहे हैं। ये क्या चल रहा है ना, कुछ तो हो रहा होगा तभी तो बंद किया होगा, है कि नहीं। कौन है, ओ VIPs।
महिंद्रा स्कॉर्पियो। ईटानगर में ना अगर एक टाइम पास काम चाहिए बोलने से ना स्कॉर्पियो गिनती करके बैठो, आपका जबान थक जाएगा लेकिन स्कॉर्पियो ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज यहाँ में मेजोरिटी आदमी के पास ना स्कॉर्पियो है। और क्यों है बोलने से, पहले रास्ता ख़राब था एंड जैसे आपने मेरा दाबोल व्लॉग में भी देखा है ना, रास्ता इतना ख़राब है, दूसरा गाड़ी तो टिकेगा ही नहीं ना। तो वहाँ पे हम लोग का जो महिंद्रा का जो इंजन है और उसका बिल्ड क्वालिटी जो है, जो उसका मतलब एक तगड़ापन जो है वो साथ देता है, इसलिए अरुणाचल में ज़्यादातर महिंद्रा स्कॉर्पियो बिकते हैं एंड बुलेरो में चला जाता है। महिंद्रा अल्टुरस G4, ये गाड़ी ना अभी आदमी लोग बहुत लेने लग गया, पहले इतना नहीं था ये गाड़ी ना, अभी आस्ते आस्ते करके इसका मार्केट थोड़ा आ रहा है। मे बी बिकॉज एंडेवर चला गया एंड फॉर्चुनर इज ओवर प्राइस्ड, इसका बच्चे से शायद इसका मार्केट थोड़ा चल रहा होगा। एंड यहाँ से DNGC घुसते, ये जगह को विवेक विहार बोलते हैं, और ये अंदर जाने से आपको देहरादून कॉलेज मिलेगा एंड आगे से एक डाइवर्जन है जहाँ से नीचे जाने से आपको पुलिस कॉलोनी मिलता है। सो ये वाला डाइवर्जन है, यहाँ से राइट साइड जाने से आपका पुलिस कॉलोनी है एंड सीधा जाने से DNGC। उफ़, घूमते घामते पहुँच गया देहरादून कॉलेज, और यहाँ से अभी अंदर है इग्नू कॉलेज, जो यहाँ से अभी और भी हम लोग अंदर जाना पड़ेगा। ये है देहरादून कॉलेज का रास्ता का हाल। सो कॉलेज तो आपका यहाँ साइड में है बट हम लोग को सीधा जाना है, चलते रहो, रास्ता भी एकदम टॉर्चर रास्ता है, तो पूरा बाइक का सेल लग के बैठा है, बाइक ले लो स्कूटी ले लो सेकेंड हैंड में पूरा मिल रहा है। अरुणाचल का सेकेंड हैंड शोरूम यहाँ में है। वैसे यहाँ से रास्ता क्या पड़ेगा, नॉट दैट बैड। रास्ता तो थोड़ा रिस्की है दे, देखो तो यही कहीं है बोल रहा था। ये ना थोड़ा सा पार हो गया अंदर, होगा आगे से घूमेगा। यहाँ में पॉलीटेक्निक और यहाँ में एक टू गोल चक्रा जहाँ से हम लोग घुमाएगा वापस। बहुत लोग को पता नहीं होता कि ये वाला गोल वाला से लेफ्ट साइड से जाना है, फिर कोई कोई लोग नहीं जान के ऐसे राइट साइड से चला जाता है, तो उसी में उन लोग का ना चालान कट जाता है। सो रिमेंबर टेक, सो रिमेंबर हर जगह आपको लेफ्ट साइड से ही जाना है, चाहे वो कोई फ्लाईओवर क्रॉस करो या कोई गोल और आप क्रॉस करो। और इधर में है आपका इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, सो जो काम से आया था वो काम तो हुआ नहीं बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट था, बाकी अभी देखिएगा कहाँ जाएगा, मिलेगा आपको थोड़ा देर में। हाँ, बाइक हाईवे में। सो कज़िन का बाइक बनाने आया था बट बाइक बना नहीं, इसलिए अभी वापस जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक है ही नहीं। सो एनीवेज आई गेस आज का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, जस्ट काइंड ऑफ आपको ये एक डेली ऑब्जर्वेशन जैसे था। सो नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छा वीडियो बनाएगा। सो होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द सराय डिजिटल नेटवर्क चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, गुड बाय।